चैनल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइज मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाला क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी क्या बहुत खराब हो गई थी, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे होगा आपको शायद करवा चौथ की खुशी में कि व्रत रखना है, तो मैंने ये करवा चौथ का मेकअप लुक किया है, जैसे भी हुआ है अभी कर लिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं ये लुक मैंने किया है और ये कैसे किया है तो हम देखते हैं इस वीडियो में। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो एक साथ में ही एक नोटिफिकेशन बेल आती है, और गाइज सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और आपके साथ मैं ये भी शेयर करूंगी किसी वीडियो में, किसी के आप ही इससे अगले ही वीडियो में शेयर करना पड़ेगा कि आपको करवा चौथ के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो वीडियो भी आप मेरा ज़रूर देखना और मैं ज़रूर डालूंगी वो वीडियो भी, कि जैसे किसी को पता नहीं होता कि हमें क्या लेना है क्या करना है तो मैं वो भी डाल दूंगी, तो आप वो भी ज़रूर देख लेना। और आपको ये मेकअप अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं देर ना करते वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। हाय, और फर्स्ट मैं ले रही हूँ ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र, और ये गाइस न्यूली लॉन्च है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, हर सीज़न में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल रेट में भी आता है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये 3-in-1 इंकसाइड प्राइमर, और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ओलिविया का पैनकेक, और गाइस बहुत ही अच्छा पैनकेक है और लॉन्ग लास्टिंग है, आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाने वाला 8-10 घंटों के लिए। तो आप हो सके तो अगर आपको वाटरप्रूफ मेकअप अगर आप ढूंढ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये ओनली 120 रुपीज़ का मिलेगा आपको, चाहे तो चाहे 100 रुपीज़ में भी मिल सकता है। और मैंने इसे एक स्पंज की हेल्प से लगाया है, और इसे आप करके हर बार लें और हर बार लगाएं और बहुत ही अच्छी एक फिनिशिंग आ जाती है इससे, और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये, और इसमें ज़्यादातर कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं होती है, और मैंने भी कंसीलर नहीं यूज़ किया है इसमें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज है इसकी। और मैंने इसे अपने पूरे फेस पे नेक पे लगाया है कि मेरा फेस और नेक पूरा ही इवनली लगे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम से ही फ़र्क आ जाता है इसे लगाने से। और मैं अपनी आईज़ पे भी इसे लगा रही हूँ क्योंकि मैंने कंसीलर नहीं यूज़ किया है तो मैं इसी को लगा रही हूँ। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये गाला फ्लडर का पाउडर, और मैं इसे इसे सेट कर रही हूँ। तो आप कोई सा भी फाउंडेशन लगाएं तो गाइस उसे पाउडर से ज़रूर सेट करें, वरना वो आपका ब्लेंड होके निकल जाएगा। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये काइली की आई शेडो पैलेट, और जिसमें से मैं ये ब्राउन शेड लूँगी, इसमें से कोई सा भी शेड आप ले सकते हैं अगर आपके पास है तो, दोनों ही ट्रांजिशन शेड में यूज़ हो सकते हैं, और मैं इसका ट्रांजिशन शेड बनाऊँगी और मैं अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी अपने दोनों आईज़ पे। आपके पास 2-3 ब्रश तो होने ही चाहिए अगर आप आई मेकअप जैसे कर रहे हैं, और आपके पास होना चाहिए एक ब्लश का जिससे आप पाउडर भी इजीली लगा सकते हैं, और एक होना चाहिए स्पंज। तो गाइस ये 3 चीज़ें तो आपके पास प्रॉपर होनी ही चाहिए। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये जो कि मेरे ड्रेस से मैच है रानी कलर, तो मैं ये ले रही हूँ मजेंटा, और बहुत ही प्यारा शेड है, बट आपको कैमरे पे दिख रहा होगा या नहीं, बट ये बहुत ही प्यारा शेड है, तो मैं इसे अपनी आईज़ पे लगाऊंगी। और इसका फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये पाउडरी है, तो आप देख सकते हैं इसका फॉल आउट कितना हो रहा है, तो मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प से इसका फॉल आउट हटा देती हूँ। तो मैंने दोनों आईज़ पे ये लगा लिया अपने। और नेक्स्ट मैं इसी पैलेट में से ये गोल्डन शेड ले रही हूँ, और मैं इसे अपनी आईबॉल पे लगा रही हूँ, सेंटर पार्ट आईबॉल, और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और आप देख सकते हैं कितना शाइन आ जाता है एकदम से ही अगर आप 2-3 शेड यूज़ कर लेंगे तो, बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन सॉफ्ट काजल, और मैं इसे अपनी वाटर लाइन पर लगाऊँगी,
और थोड़ा सा बाहर की तरफ लगाऊंगी क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई शेडो लग जाता है नीचे भी। और मैं अपने लॉल एश पे भी आई शेडो लगाऊंगी जो कि मैंने रानी कलर ऊपर यूज़ किया है, उसे ही मैं थोड़ा थोड़ा नीचे लगाऊंगी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ADS का जेल लाइनर, और इसके पाउडर से मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी क्योंकि मैं जेल से मतलब मुझे ज़्यादा डार्क आई शेडो मतलब एकदम चिपकू चिपकू सी ऐसी पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा ही अपनी आईब्रो पाउडर से फिल करती हूँ। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जेल लाइनर ADS का ही, तो मैं उसे जेल लाइनर से ही लाइनर लगाऊंगी क्योंकि हमें बहुत देर पूजा में बैठना होता है, तो आप बिल्कुल ही वाटरप्रूफ, स्मच प्रूफ और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आप लाइनर यूज़ करें ताकि पूजा हो, पूजा के टाइम पे जो धूप वगैरह जलती है तो उससे आँखों में आंसू ना आए, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप वाटरप्रूफ मेकअप ही यूज़ करें। अगर किसी के पास नहीं है तो यार चलता है, बट पूजा के लिए तो आप खरीद ही सकते हैं, एक दिन में त्यौहार आता है, बहुत ही प्यारा त्यौहार है ये। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये SFR का कॉन्टोर पैलेट, और जिसमें से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। और गाइस कॉन्टोर बहुत ही प्यारी शेप दे देता है एकदम से ही, आपके फेस को बहुत ही अच्छे आपके फीचर्स दिखा देता है एकदम से। और मैं अपने कॉन्टोर को शार्प करने के लिए थोड़ा सा पाउडर जो है उसको यूज़ कर रही हूँ एकदम इवनली दिखाने के लिए, बहुत ही अच्छा एक शेप बन जाती है ऐसे। ले रही हूँ ये लैक्मे की लिप बाम, और बहुत ही अच्छी लिप बाम है ये, आपके लिप्स को बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखती है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ SFR का ब्लश पैलेट, और इसमें से गाइस बहुत दोनों ही प्यारे कलर हैं, एक पिंक है और एक पीच शेड है, तो मैं पीच शेड यूज़ कर रही हूँ, बट पीच शेड मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है तो मैं पिंक शेड ही यूज़ करूँगी। और मैं इसे अच्छे से अपने चिक्स पे ब्लेंड कर रही हूँ, आप ऐसे स्माइल करके थोड़ा सा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये इन कलर का बेकिंग हाइलाइटर वाइट कलर का, और मैं इसे अपने हाईलाइट पॉइंट पे लगाऊंगी जहाँ हमको दिखता है कि हमें हाईलाइट करना चाहिए, जैसे हमारे चिक हो गई, नोज़ हो गई और चिन हो गए। और गाइस मतलब बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट आ जाता है इससे हाईलाइटर से, और मैं अपनी आईज़ के ऊपर भी लगाऊंगी इसे और आईज़ के इनर कॉर्नर पे भी। और आइस के इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी, और बहुत ही अच्छी आइस लगती है इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाने से। और देखिए आप एकदम से ही शाइन आ गए आँखों में, और बहुत ही अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ADS की लिप पेंसिल, क्योंकि मुझे गाइस लिप पेंसिल से ही लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके बिना, क्योंकि मेरी शेप बिल्कुल करेक्ट आ जाती है इससे एकदम। तो हो सका तो आप लिप पेंसिल ही यूज़ करके अपनी लिपस्टिक लगाएंगे तो बहुत ही प्यारे आपकी शेप की लिप्स की शेप आएगी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये आज फॉल लैश, चूँकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और नेक्स्ट मैंने लगा लिया इसे। और मैं ले रही हूँ ई एसेंस का मश्कारा, और गाइज ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल रेट में भी है और बहुत ही अच्छा है, ओनली फॉर 250 रुपीज़ का आपको इजली नायका से मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये क्लैम 21 की, और जिसका शेड है 09, और ये बहुत ही प्यारा मर्जेंटा शेड है आप देख सकते हैं, और इसका एप्लीकेटर भी अच्छा है, इससे आप ईजली लगा सकते हैं लिपस्टिक। और गाइस बोलने में थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और मुझे तो बहुत ही इंतज़ार रहता है इस वर्थ का क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये, और सब जने इकट्ठे होते हैं, सब जने बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। और मैं ले रही हूँ सिंदूर जो कि बहुत ही प्यारा है मेरे लिए, और हम सभी के लिए बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है,
क्योंकि आप सब मेकअप कर लें गाइस, जो भी लेडीज़ हैं मैरिड, अगर ये नहीं लगाती तो कुछ मज़ा ही नहीं आता। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, और मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी और इसे अच्छे से सूखने भी दूंगी ताकि अच्छे से मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। और मैं इसे ब्रश या फिर आप पे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसका एक्सेस प्रोडक्ट हटा देंगे। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ बिंदी, और दिस इज़ माय फाइनल लुक। और पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आती है तो गाइज जरूर हिट कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और गाइज थोड़े दिन मैंने वीडियोस ढंग के नहीं डाले उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, दोबारा बोलना पड़ता है। और वीडियो में भी डाला है मैंने, और अगर कुछ मतलब नहीं डाले हैं वीडियोज़ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी तो गाइज कैसे डालती। और अब जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी कि अभी थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो मुश्किल होता है थोड़ा सा वीडियो डालना, क्योंकि घर का बहुत सारा काम होता है, ये होता है वो होता है, तो बट आपके लिए तो मैं टाइम निकाल ही रहती हूँ क्योंकि वीडियोस बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यूट्यूब तो मेरी जान है, समझ लो बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद है, ये मेरा पैशन है एक, जो कि मुझे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ इसको। अगर कोई इसके बारे में बोल देता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। और यही था आज का मेरा मेकअप, और बस, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हैप्पी करवा चौथ, अच्छे से रखना, अच्छे से बनाना और अच्छे से मेकअप भी करना और बहुत सुंदर सुंदर लगना। और आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे आप अपनी पिक भी शेयर कर सकते हैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। और बस इतना ही कहूँगी।